नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग मॉस्किटो किलर रैकेट जो है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बैटरी चेंज किया था क्योंकि वो स्पार्क नहीं कर रहा था, तो हमने बैटरी चेंज किया था। मगर बैटरी चेंज करने के बाद भी उसकी सॉल्यूशन जो है ना, उसकी जो प्रॉब्लम है वो बनी हुई है, क्योंकि ये जो स्पार्क हो रही है ना, नया बैटरी लगाने के बाद भी स्पार्क काफ़ी कम हो रहा है, जिससे वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, और आपको लाइफ टाइम फ्री में इस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। देख सकते हैं आप कि हमने एक टेस्टर के सहायता से जैसे ही दोनों नेट को टच किया तो देखिए स्पार्क काफ़ी कम हो रहा है, जो कि ना के बराबर स्पार्क हो रहा है। इससे जो मॉस्किटो है वो किल नहीं होगा, क्योंकि जब पूरा स्पार्किंग नहीं होगी तो मच्छर जो है वो मरेंगे नहीं। तो इसमें पहले हम इसको क्या कर लेंगे, उसको खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब इसका जो मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉब्लम हो सकता है कि इसका जो PCB है उसमें एक कैपेसीटर होता है, PF कैपेसीटर होता है, तो वो डैमेज होने के चलते इसका जो स्पार्किंग है ना वो प्रॉपर नहीं आ पाता है। तो पहले हम लोग इसको खोल लेते हैं, इसके जो कवर को खोल लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम लोग इसका जो किट है उसको निकालेंगे और चेस्ट करेंगे कि हमारा जो PF कैपेसिटर है उसको हम लोग चेंज करके देखते हैं। अगर उसको चेंज करने के बाद प्रॉब्लम ठीक हो जाता है तो फिर हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो चलिए इसको खोलते हैं, इसके कवर को अच्छे से खोलेंगे, क्योंकि कवर अगर टूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर हमें लगाने के लिए। तो इसको आराम से दोनों को सेपरेट कर लेंगे कवर को। और ये देखिए इसका ये PCB है, और इसका जो सबसे आगे वाला पोर्शन में देखें एक रेड कलर का जो PF कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस पर ध्यान देना है कि ये जो कैपेसिटर होता है ना, ये देखिए इसमें जो नंबर है ये है 223J 2000 वोल्ट का जो PF कैपेसिटर होता है। तो इसमें सावधानी ये करना है कि ये जो PF कैपेसिटर है ना, इसको शॉर्ट करना है, क्योंकि इसमें करंट रहता है। तो इसको डिस्चार्ज कर देंगे दोनों टर्मिनल को सटा के हम लोग। अगर ये नहीं करते हैं तो एक शॉक लगने का चांसेस रहता है, क्योंकि ये चार्ज रहता है। और ये देखिए कैपेसिटर लग रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पार्क नहीं हुआ, तो ये लगता है कि कैपेसिटर हमारा ख़राब है पूरी तरह से, इसलिए इसमें स्पार्क नहीं हुआ। अभी इसको हम लोग सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इसको अलग कर लेंगे, निकाल लेंगे, फिर जो है हम नया वाला जो PF कैपेसिटर है उसको हम लोग लगाएंगे। इस PF कैपेसिटर का जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कि जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कौन सा वाला कैपेसिटर लगता है इसमें। ये कैपेसिटर मार्केट में आपको 5 से 7 रुपये 8 रुपये में ये कैपेसिटर आपको मिल जाएगा, ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आप जाकर ले सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कैपेसिटर के चलते ये प्रॉब्लम होती है, और आप देखेंगे कि आपके घर में काफ़ी सारे रैकेट नहीं ठीक होने के चलते लाके आपको लगाना पड़ता है, नया चेंज कर लेते हैं आप लोग रैकेट। मगर ये छोटा सा एक प्रॉब्लम होता है कैपेसिटर का, और ये कैपेसिटर नहीं चेंज करने के बदले में आपको नया एक रैकेट पूरा खरीदना पड़ जाता है। तो एक छोटा सा रैकेट का जो कैपेसिटर है ये चेंज कर दें, और आपका जो पुराना वाला जो रैकेट है वो ठीक हो जाएगा। इसमें बेसिकली दो ही चीज़ ज़्यादा ख़राब होती है, या तो बैटरी में प्रॉब्लम होती है, या PF कैपेसिटर जो होता है ये ख़राब हो जाता है, जिससे स्पार्किंग प्रॉपरली नहीं आता। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप PF कैपेसिटर को चेंज कर दे। अगर आपने बैटरी चेंज कर दिया या बैटरी आपकी अच्छी है तो आपका PF कैपेसिटर में ही प्रॉब्लम है, आप इसको चेंज कर दें। देखिए आपका जो रैकेट है मॉस्किटो किलर रैकेट जो है वो प्रॉपरली ठीक हो जाएगा और ठीक से काम करने लगेगा। हमने वो दूसरा वाला जो कैपेसिटर है अपना जो नया लेके आया था हमने, वो वाला अपने चेंज कर दिया। अब जो इसका देखिए दो टर्मिनल लगे रहते हैं जो कि नेट से कनेक्टेड रहता है, वो टर्मिनल छूट गया था तो हमने उसको कनेक्ट कर दिया। देख सकते हैं दोनों टर्मिनल को देखकर। इसमें ध्यान देना है कि आपका जिस तरह से लगा हुआ था, जिस साइड लिखा हुआ रहता है उसमें कौन सा पावर का ये कैपेसिटर है, आप पहले देख लेंगे कि आपका जो कैपेसिटर पहले लगा हुआ है उसी साइड को देख के वैसे ही डायरेक्शन में लगाना है इसको। अभी हमारा क्या प्रॉब्लम हुआ था कि बैटरी का टर्मिनल भी एक छूट गया था, तो इसको भी सोल्ड कर लेते हैं।
उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे कि ये पहले से बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ, ये काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक बार हमने सारे सोल्डिंग को कर लेना है, उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे इसको। देखिए अब हमारा सोल्डिंग तो हो चुका है कंप्लीट। अब क्या है कि हम लोग जैसे जैसे पहले पीसीबी को बैठा लेते हैं, जिस पोजीशन में रखा लगा हुआ था उसको अच्छे से फिक्स कर देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, दो एलईडी लगे रहते हैं नीचे में, एक चार्जिंग का इंडिकेशन का और एक जो बैडमिंट आपका जो रैकेट है वो ऑन होता है तो उसका एक इंडिकेशन का होता है। तो दोनों बल्ब जो होते हैं एलईडी के, उसको अपने सेंटर में पोजीशन लगा कर इसको बैठा देना है। इधर उधर हो जाएगा तो फिर इंडिकेशन आपको दिखेगा नहीं या फिर प्रॉपरली बैठेगा नहीं ये जो पीसीबी है, तो उसको ध्यान से देखकर उसको अच्छे से बैठा देना है कि आपका एलईडी बल्ब भी जो है वो टूटे ना। और ये पीसीबी बैठ जाने के बाद हम इसको बैटरी को अच्छे से लगा लेंगे। इसमें देखिए स्क्रू लगा हुए थे दो, तो हम दोनों स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। उसके बाद बैटरी को हम लोग इसमें प्लेस कर देंगे जहाँ पर बैटरी लगता है। ध्यान से दोनों टर्मिनल अलग अलग रहना चाहिए और यह बैटरी का तार जो तार का टर्मिनल है वो दोनों टूट ना जाए। देखिए अब ये बैटरी फिक्स हो चुका है, अब हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि स्पार्किंग हो रहा है कि नहीं। देखिए बहुत ज़्यादा स्पार्क हो रहा है, पहले आप देखे होंगे कि बहुत ही कम स्पार्क कर रहा था, अब जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो काफ़ी बड़ा स्पार्क होता है, वहाँ पर काफ़ी आवाज़ भी करता है। अब इसके हम कवर को लगा लेते हैं फिर उसको अच्छे से टेस्टिंग करेंगे कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले इसके सारे स्क्रू को कवर लगा के सारे स्क्रू को टाइट कर लेते हैं, फिर इसका जो हम लोग एक बार ट्रायल करेंगे कि ये पहले से ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक हो चुका है क्योंकि स्पार्क बहुत अच्छा हो रहा है। तो सारे स्क्रू को हम लोग पहले टाइट कर लेते हैं। देखिए सारे स्क्रू टाइट हो चुके हैं, अभी लाइट भी आ रहा है, ये इसका जो टॉर्च है वो भी जल रहा है। अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, देखिए ये कितना ज़्यादा स्पार्क कर रहा है, पहले कैसा कर रहा था और अभी के स्पार्किंग में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ रहा है, काफ़ी आवाज़ भी करता है और ये स्पार्क प्रॉपर होगा तभी ये काम करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।